हेलो दोस्तों, मेरा नाम इस्तकार हुसैन है। मैं हूँ alltabtutorials.com से। दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं एंकर टैग की। पिछले तीन ट्यूटोरियल हम पढ़ चुके हैं एंकर टैग के बारे में, और ये चौथा ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ और एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे एंकर टैग के। पहले आपको बताऊंगा कि नेम एट्रीब्यूट के बारे में। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लेकर आते हैं। देखो, टेक्स्ट यहाँ पड़ा हुआ है मेरे डेस्कटॉप पे। मैंने टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी किया, एक कॉपी करके हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। मैंने पेस्ट कर लिया, ये पूरा टेक्स्ट मेरे पास है। इसमें मैंने सबसे ऊपर पैराग्राफ बनाकर इसको, और मैंने लास्ट में पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। मैं यहाँ पर इसका प्रीव्यू भी देख लेता हूँ। जिस प्रीव्यू, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव, इसका प्रीव्यू है। यहाँ पर मैं इस जगह पर एक और इसमें पैराग्राफ को बंद कर रहा हूँ। पैराग्राफ बंद कर दिया और दूसरा पैराग्राफ मैंने स्टार्ट कर लिया। हमने हेडिंग डाल दी इसकी H1, और H1 डालने के बाद में मैंने H1 को बंद किया। यहाँ पर मैंने लिख दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर, सेव किया। सेव करके जब हम यहाँ देखते हैं तो देखो, एक यहाँ पर कंप्यूटर लिखा रहा है। देखो, हेडिंग नीचे कंप्यूटर। और ऐसे ही मैं पैराग्राफ को बंद कर रहा हूँ। पैराग्राफ बंद कर दिया और फिर मैंने पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। देखिए, यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट किया। इस पैराग्राफ के बीच में मैंने एक हेडिंग और बना ली यहाँ से H1, और हेडिंग बनाकर मैंने लिख दिया यहाँ पर लैपटॉप, लैपटॉप। सेव किया। सेव करके यहाँ रिफ्रेश करें। जैसे ही रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो नीचे यहाँ पर कंप्यूटर आ गया और नीचे लैपटॉप आ गया। देखिए, ऊपर नीचे देख रहे हैं अभी। यहाँ अगर हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ना चाहें तो हम इसे ढूंढेंगे कंप्यूटर कहाँ पर है, और ऐसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पर लैपटॉप के बारे में पढ़ना चाहें तो लैपटॉप को ढूंढेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो, यहाँ पर बटन हो कि हम क्लिक करें और कंप्यूटर पर पहुँच जाएँ, क्लिक करें और बटन उस पर लैपटॉप पर पहुँच जाएँ, तो कैसे करें? तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट है एंकर का नेम, उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए कैसे। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं कंप्यूटर वाले टेक्स्ट को और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया और मैंने बढ़ा लिया। सेव करके यहाँ देखें, देखो ये और ज़्यादा टेक्स्ट हो गया कंप्यूटर का, लैपटॉप का। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो, कंप्यूटर से पहले, ये जो कंप्यूटर है इससे पहले हम एंकर टैग लगाते हैं, एंकर टैग, और एंकर टैग के बाद नेम। नेम मैंने इसको दे दिया, पूरा नाम दे देता हूँ मैं, कंप्यूटर। कंप्यूटर मैंने नाम दे दिया इसको, कंप्यूटर। हेडिंग का नाम भी कंप्यूटर, मैंने नाम भी इसका एंकर टैग का कंप्यूटर दे दिया। और नीचे यहाँ पर मैंने लगाया, ये H1 के अंदर मैंने यहाँ पर लगाया एंकर टैग, और इस एंकर टैग को यहाँ पर बंद कर दिया। और इस एंकर टैग के बीच में मैंने नेम दे दिया इसको लैपटॉप, लैपटॉप। ठीक है, और इसको हम सेव करते हैं। सेव करके यहाँ देखें तो देखो, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए, यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मैंने ये नाम तो दे दिए, इन नाम को मैं अब कॉल करूँगा ऊपर। देखिए, यहाँ पर आए और यहाँ जाने के बाद पहले लिख दिया मैंने कंप्यूटर, और दूसरे पैराग्राफ में मैंने लिख दिया यहाँ पर लैपटॉप। सेव करें, और सेव करके यहाँ के देखें तो देखो, लैपटॉप और कंप्यूटर ये हमारे पास है। अब मैं इनको, अब जैसे ही हम इस पर, हम ये चाहते हैं कि हम इस कंप्यूटर पे क्लिक करें, फ़ौरन हम यहाँ पहुँच जाएँ जहाँ हमारा कंप्यूटर की हेडिंग लिखी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं एंकर टैग। एंकर टैग लगाया और एंकर टैग को यहाँ पर बंद कर देते हैं। देखिए, एंकर टैग को हम यहाँ पर बंद कर दिया। यहाँ पर भी हम एक एंकर टैग लगाते हैं और एंकर टैग को यहाँ बंद कर देते हैं। और इसमें, इसके बीच में, एंकर टैग के बीच में हम लगाते हैं HREF, हाइपर रेफरेंस। और जो हमने यहाँ पर नाम दिया है, नाम ये कंप्यूटर, ये नाम हम हैश लगाकर, यहाँ पर हैश लगाकर उसको और कॉल कर लेते हैं हैश, और हम लिख देते हैं कंप्यूटर। ठीक है, ये हमने लगाया। और ऐसे ही हम यहाँ पर करते हैं, यहाँ, और यहाँ पर हम HREF लगाते हैं, और हैश लगाकर जो हमने नाम नीचे लिखा था, देखो नीचे क्या नाम लिखा था, लैपटॉप, यही नाम हम यहाँ पर लैपटॉप लिखते रहे, लैपटॉप हमने लिख दिया यहाँ पर लैपटॉप। और इसको सेव किया। सेव करते हैं, और सेव करके जब यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखो, ये लिंक भी हो जाते हैं। देखो, अब मुझे लैपटॉप के बारे में पढ़ना है, तो जैसे मैंने क्लिक किया, देखो लैपटॉप पर पहुँच गया। अब मैंने यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर पर क्लिक किया, कंप्यूटर पहुँच गया। अब इसके बाद में, जब हम पढ़ने के बाद में लास्ट में कि हम इस पर क्लिक करें, टॉप पर पहुँच जाएँ, तो उसके लिए हम लास्ट में, जो ये लास्ट होता है कंप्यूटर का, जहाँ पर ये लास्ट हो रहा है, यहाँ पर BR टैग लगा कर हम इसे नीचे आए। हमने लिखा यहाँ पर टॉप ऐसे, और टॉप से पहले हमने एंकर टैग लगाया, बंद कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर लगाते हैं HREF,
और इसके बाद हम इस फाइल का जो नाम है वो दे देते हैं। इसका नाम है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और इसको हम सेव करते हैं। सेव सेव किया और सेव करके जब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो देखो, जो मैं इसे जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस दबा कर थोड़ा जूम आउट हो गया है ना, जूम करके मैं देखने के लिए जूम कर रहे हैं सिर्फ। हम यहाँ जाते हैं, देखो कंप्यूटर कंप्यूटर पे हमने क्लिक किया, और जैसे कंप्यूटर पे क्लिक किया तो कंप्यूटर पहुँच गया। हम कंप्यूटर को पूरा पढ़ लिया, हम टॉप पे जाना चाहते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे हम टॉप पे पहुँच जाते हैं। ऐसे हम लैपटॉप को पढ़ना चाहते हैं, लैपटॉप पे हम कोई क्लिक करें तो लैपटॉप पे, तो हम लास्ट में लैपटॉप के नीचे भी यही लगा देते हैं सेम। तो बी आर वाले को पूरे को हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, इसे कंट्रोल सी, और यहाँ लास्ट में आकर हम इसे कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया हमने और सेव किया। यहाँ पर रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद देखिए इसमें थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लैपटॉप पे क्लिक किया, लैपटॉप पढ़ के हम नीचे पहुँचे टॉप पर, जैसे ही क्लिक करेंगे टॉप पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हमने एंकर टैग के एक एट्रीब्यूट को स्टडी किया, नेम एट्रीब्यूट को। तो अब हम एंकर टैग के दो एट्रीब्यूट और पढ़ेंगे, एक तो डाउनलोड और दूसरा एचरेफ लैंग्वेज। तो हम इन दोनों एट्रीब्यूट को अगले ट्यूटोरियल में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।